वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहा है 8:30, शाम का 8:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं 8:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। आज है दिन शुक्रवार। तो दोस्तों, आज था मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। तो आज जो है पूजा मैंने टाइम से, मतलब नहीं कि पूजा करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि कल जो है पूरी रात लाइट नहीं रही और उसके बाद मॉर्निंग में फिर भी मुझे जो है डेली रूटीन के काम निपटाने में और सारी तैयारी करने में टाइम लग गया। उसके बाद फिर आज दोपहर से भी घर पे लाइट नहीं थी, तो इसी चक्कर में जो है मुझे आज पूजा वगैरह करने में शाम की काफ़ी टाइम लगा। तो पूजा वगैरह करने के बाद आज मैं लाइव भी थी करीब 1 घंटे के लिए। सो गाइस, तो मैं आपको बता दूँ, मैं लास्ट 1-3 टाइम से मैं हफ्ते में एक बार लाइव चैट भी करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, तो अपने फ्रेंड से। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं लाइव भी आती हूँ हफ्ते में एक बार। और जब मैं ऐसे तो ज़्यादातर सैटरडे या संडे में आती हूँ, अगर सैटरडे संडे में नहीं हुआ तो वैसे तो लाइव आने से पहले एक दिन पहले मैं नोटिफिकेशन दे देती हूँ, लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इस दिन मैं इस टाइम पर लाइव चैट करूँगी। तो अगर किसी को मुझसे बात करनी है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब करने हैं, तो वो हम लाइव चैट पर करते हैं। तो फिलहाल अभी 1 घंटे से मैं लाइव चैट पे अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी यूट्यूब फैमिली से सबसे बातें कर रही थी। अभी लाइव चैट ख़त्म करने के बाद अब मैं जो है अपने शाम वाले जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल आज जब दोपहर में लाइट नहीं थी ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं अब रात में कितनी देर से लाइट आएगी। तो शाम के खाने की जो सारी तैयारी होती है ना, वो मैंने सारी दोपहर में करके रख ली थी। और हाँ, आपको और कुछ बताना है कि अभी तो सैटरडे संडे फिर से आ गया, तो सैटरडे संडे को तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर हम लोग कहीं ना कहीं निकलते हैं, अपने घर के आसपास, ज़्यादा दूरी पे नहीं, बस थोड़ी आसपास ही, तो घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल हमारा कल का प्लान है थोड़ा लंबे रूट का, थोड़ा लंबे रूट पे हम लोग जा रहे हैं, पूरा कल का पूरा दिन लगेगा। तो हम लोग मॉर्निंग में सुबह निकलेंगे करीब 4-4:30 बजे। तो लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप यही सोच रहे हो ना, तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी आज के इस व्लॉग में, वो तो जब हम लोग कल जाएंगे और वापस लौट के आएंगे तो वो सब आपको परसों के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सारी तैयारियाँ पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैंने लाइव चैट की और बस कल की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो तैयारी तो कर ही रही हूँ, लगे हाथ ये वीडियो इस टाइम का जो है आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो दोस्तों, कल के लिए मैं नाश्ता पानी सारा घर से ही लेके जाने वाली हूँ। तो मैंने और सुमित ने मिलकर डिसाइड किया कि जो है हम लोग घर से ही जो है खाना भी बना कर लेके जाएंगे और नाश्ता वगैरह भी मॉर्निंग का ले जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे घर से निकल जाएंगे तो इतनी सुबह सुबह नाश्ता कैसे हो पाएगा। तो फिर बाद में कहीं रुक के नाश्ता भी जो करेंगे तो घर से बना के मैं नाश्ता ले जाऊंगी, और जो है चाय वगैरह मैं घर से बना के लेके जाऊंगी कि मतलब 2-3 बार पीने की तो चाय हमें हो जाए, क्योंकि बार बार रुकना, बार बार रास्ते में चाय पीना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सच्ची बात में बताऊँ तो। तो फिलहाल सुमित भी ऑफिस ख़त्म करके निकलेंगे 4-4:30 बजे, तो हमें चाय की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ने वाली है। तो फिलहाल नाश्ते के लिए मैं आपको बताऊँ मैं क्या बना रही हूँ। नाश्ते के लिए मैंने की है साबूदाना वड़े की तैयारी। तो मैं साबूदाना वड़ा बना रही हूँ नाश्ते के लिए, कि नाश्ते के लिए साबूदाना वड़े रख लूँगी, और खाने के लिए सूखी आलू की सब्जी, आलू फ्राई और पूड़ी। सुमित को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और रास्ते के लिए सबसे बेस्ट खाना होता है आलू की सूखी सब्जी, पूड़ी, हरी मिर्च, नमक, अचार, जो आप स्वाद बढ़ाने के लिए लेना चाहो। और साथ में मैं लेके जाऊंगी चाय। तो चाय हमारे पास वो गर्म पानी वाली बॉटल है ना, जिसमें पानी अगर गर्म करके रखते हैं तो टेम्परेचर वाली होती है, तो करीब 4-5 घंटे आराम से चीज़ बढ़िया अच्छे से गर्म रहती है। तो फिलहाल उसी में मैं चाय रख लूँगी और हमारे सुमित के लिए 3-4 बार के लिए वो चाय काफ़ी होगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मुझे भी रेडी करनी है, मैंने दोपहर में तैयारी करके रख ली थी। और हाँ, सारे काम ख़त्म करने के बाद
फिर सुमित के कपड़े भी प्रेस करने हैं। कपड़े देखो अभी हम लोग क्या पहन के जाते हैं। अभी सुमित का तो मैंने डिसाइड कर लिया है, सुमित कल क्या पहन के जाएंगे। अभी मेरा डिसाइड नहीं है कि मैं कल क्या पहनूं। तो फिलहाल चलिए अभी पहले किचन का काम खत्म करते हैं, सारा नाश्ता वगैरह बना के रेडी कर लेते हैं और शाम का जो खाना, मेरा तो फास्ट है तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, पर सुमित के लिए जो है सब्जी पूरी जो मैं बनाऊंगी ना, तो वही सब्जी पूरी सुमित के लिए अभी शाम के लिए भी जो बना के रख दूंगी थोड़ी सी, तो सुमित के लिए शाम को आज रात का वही खाना हो जाएगा जब ऑफिस से लौट के आएंगे। और बाकी का सब्जी वगैरह तो मैं कल 4 बजे जब मॉर्निंग में उठूंगी ना तभी बनाऊंगी, नहीं तो खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल चलो चलते हैं किचन में और करते हैं फटाफट नाश्ता पानी और खाने की तैयारी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। कपड़े भी प्रेस करने हैं, कपड़े मतलब कपड़े बहुत सारे कपड़े नहीं, एक जोड़ी अपना और एक जोड़ी सुमित का, तो कपड़े प्रेस करने हैं और खाने की भी पूरी तैयारी कर ली। तो किचन में देखिए खाने की तैयारी तो मैंने दोपहर में ही कर ली थी, आटा गूंथ के रखा हुआ है, आलू बॉयल करने हैं, इसमें धुल के साफ करके रख दिया है, बस उनको बॉयल करना बाकी है। तो फटाफट चलिए, मैं भी साबुदाना भी एक तरफ भीग रहा है, तो ये सारी चीज़ों की जो है मैं तैयारी शुरू करती हूँ। गाइस तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और ये देखिए लग गई हूँ जो है खाना बनाने में। यहाँ पे मैं आज रात का भी खाना बना रही हूँ और कल जो मॉर्निंग में निकलना है तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है दोपहर में ही छील के रख दिए थे, क्योंकि 2-3 बार से ऐसा हो रहा था कि आलू हमारे पास जो है मीठे आ जा रहे थे। तो आज मैंने क्या किया, आलू छील के पहले ही मैंने उनको पानी में भिगो के रख दिया था दोपहर में नमक डाल के, कि अगर गलती से आलू मीठे भी आ गए होंगे तो वो पानी में नमक मिला के रखने से ठीक हो जाते हैं, मीठापन चला जाता है। तो मैंने एक साइड आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, जब तक आलू इधर बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि साबुदाना वड़ा बना रहे हैं तो साबुदाने वड़े के साथ तो टमाटर की चटनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी पीस कर रखने लगी, क्योंकि क्या है ना एक एक काम मुझे आज बारी बारी जो है फटाफट निपटा के रखना है और टाइम से काम ख़त्म करके फिर रेस्ट भी करना है। तो फिर यहाँ पे टमाटर की चटनी वगैरह मैंने पीस ली थी और तब तक यहाँ आलू भी मेरे उबल कर बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो आज जो है मैंने आलू जो है छील के उबाले हैं, ताकि जो है बाद में भी मेहनत कम रहे, आलू मुझे छीलनी ना पड़े। और मेन तो मेरा जो मोटो था आलू छीलने का वो ये था, मैंने इनको नमक के पानी में भिगो के रखा हुआ था कि आलू मीठे ना हो। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले हैं, आलू फ्राई सब्जी बनाने के लिए भी और साबुदाना वड़ा मिक्स करने के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने आधी आलू सब्जी के लिए निकाल दी और आधी आलू मैंने साबुदाना वड़ा में मिक्स कर दिए। देखिए मैं साबुदाना वड़ा का पेस्ट बना रही हूँ। तो साबुदाना वड़ा जो है मेरा दोपहर से भीग रहा था, फूल के अच्छे से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आलू ठंडे करके साबुदाना में अच्छे से मिक्स कर दिया है, आलू मिक्स किया है, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है अच्छे से और हरी मिर्च ढेर सारी डाली है, जितना तीखा हम लोगों को खाना है उस हिसाब से, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से जो है इसको साबुदाना को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, बढ़िया से आटे की तरह से गूँथ गूँथ के इसका अच्छे से पेस्ट बना ले रही हूँ। बहुत से लोग जो है लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी डालते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि लाल मिर्च पाउडर जो है ना डालें, वो नुकसान करता है हमारे हेल्थ के लिए, अच्छा नहीं होता है। तो आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना है ना तो सिर्फ हरी मिर्च की ही क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो आलू का जो है ये साबुदाना वड़ा का पेस्ट बना के मैंने रख लिया था। तो उसके बाद फिर जो है मैंने लगे हाथ साबुदाना की वड़ा की जो है जो टिक्कियाँ होती हैं टिक्कियाँ भी बना बना कर रखनी शुरू कर दी, कि पहले सारी टिक्कियाँ मैं एक साथ बना लूँगी, उसके बाद फिर इसको बढ़िया ऑयल में अच्छे से धीमी धीमी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सारी साबुदाना की टिक्कियाँ बनाकर एक साथ रख ली। तो जो मैंने जो है यहाँ पे अभी अपने उपवास की जो साबुदाना है उसमें मैंने व्रत वाला नमक मिलाया है और सुमित के लिए मैंने अलग दूसरा नमक मिलाया है। तो यहाँ मैं अपने व्रत के लिए और सुमित के जो है अभी ऑफिस से लौट के आएंगे तो सुमित के खाने के लिए कुछ 10-12 साबुदाना वड़ा बनाकर रख ले रही हूँ, और बाकी का मैंने अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दिया है वो टिक्कियाँ, कि सुबह उठ के फटाफट बढ़िया गर्मा गर्म टिक्कियाँ निकाल के उनको बढ़िया टिफिन में पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने खाने के लिए और सुमित के खाने के लिए साबुदाना वड़ा जो है बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए फिलहाल कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बढ़िया। अब जब भी कोई अपनी मेहनत करो ना और बाद में उसको देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बढ़िया मैंने कुरकुरे कुरकुरे स्वादिष्ट साबुदाना वड़ा बनाए, और मुझे सच्ची बताऊँ इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं शाम की पूजा कर चुकी थी और भूख मेरे बहुत तेज़ लगी थी। तो मैंने फटाफट पहले जो अपने उपवास वाले साबुदाना वड़ा थे मैंने वो बनाकर पहले तो मैंने बैठ के साबुदाना चटनी और चाय ये खाया, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। और फिर खाने के बाद मैंने दोबारा से सुमित के लिए साबुदाना वड़ा जो है बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर जो है साबुदाना वड़ा में
बना ही रही थी सुमित के लिए, तब तक सुमित भी ऑफिस से आ गए थे, तो लगे हाँ सुमित ने भी गर्मा गर्म साबुदाना वड़ा और टमाटर की चटनी खा लिया। फिलहाल ये जो साबुदाना वड़ा है ना, ये सुमित की फरमाइश पे ही मैं बना रही हूँ, सुमित को साबुदाना वड़ा बहुत पसंद है। तो साबुदाना वड़ा वगैरह बनाकर मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद फिर जो है मैं फटाफट पूड़ियाँ निकालने लगी, और पूड़ियाँ यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग के लिए ही निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह हम लोगों को 4 बजे निकलना है, तो मैं 3 बजे उठूंगी तो मैं साबुदाना वड़ा बनाऊंगी या पूड़ियाँ या आलू फ्राई करूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पूड़ियाँ मैं रात में ही बना कर रख ले रही हूँ, ताकि मुझे सुबह के लिए जो है काम कम हो जाएगा। तो अभी पूड़ियाँ मैं बना कर और जिस टिफ़िन में ले जाने वाली हूँ, उस टिफ़िन में मैं रात में ही पैक करके रख दूंगी, ताकि सुबह का मेरा कुछ काम कम हो जाए। तो फटाफट यहाँ पे मैंने सुबह के लिए पूड़ियाँ भी बना कर रख ली, और पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर जो है मैंने किचन के अपने जितने काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे काम निपटाए। और फिलहाल मैं आपको बताऊँ, आज साबुदाना वड़ा बनाया और ये पूड़ी वगैरह बनाई, तो किचन में ऑयल का काम ज़्यादा हुआ, तो मेरी गैस बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गई थी, गैस गंदी हो गई थी, और जो पूरा ये सिंक है ना, ये इस पर पूरा सब ऑयल ऑयल तेल थे, सब पूरा चिकनाई हो गई थी। तो मुझे आज अपनी ये सेल्फ और ये गैस वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ करनी पड़ी। उसके बाद जो है मैंने अपनी किचन वगैरह साफ की, किचन के जो बर्तन निकले थे वो सारे मैंने बर्तन धुले। उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा चलो अब घर के आगे के काम निपटाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है धुलने धुलने ही जा रहे थे, तब तक सुमित की फिर से फरमाइश आ गई कि 1 कप चाय मिल जाएगी क्या। तो मैंने फटाफट जो है सुमित के लिए चाय बनाई, तो लगे हाथ उसमें आधा कप चाय मैंने अपने लिए भी बना ली। तो पहले सुकून से बैठ के मैंने और सुमित ने चाय पी, फिर मैंने आके फटाफट किचन में सारे बर्तन धुल के निपटाए, क्योंकि बर्तन तो मैं वैसे भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है लास्ट में जब सारा काम खत्म करो ना, तो फाइनली जो है बिल्कुल फाइनल किचन में जो फाइनल टच देना होता है ना, तो उसमें थोड़े बहुत बर्तन भी निकलते हैं और थोड़ी बहुत साफ सफाई का भी काम बढ़ जाता है। तो फिलहाल आज मेरी किचन में जो है ना पूरा सब चिकनाई चिकनाई जैसे मुझे समझ में आ रही है। तो मैं मुझे जो है सिंक वगैरह भी साबुन लगा के और ये सेल्फ वगैरह भी अच्छे से साफ करनी पड़ी। तो किचन के काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई अंदर रूम में, तो कल मॉर्निंग के कपड़े मुझे प्रेस करने थे अपने और सुमित के। तो मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि नहाने के बाद हम फटाफट कपड़े प्रेस करने बैठे, तो रात में ही मैं कपड़े भी प्रेस करके रखे ले रही हूँ, कि जो कपड़े सुमित को पहनने हैं वो सुमित के कपड़े प्रेस कर दे रही हूँ, और जो मेरे कपड़े हैं वो अपने कपड़े में प्रेस कर लूँगी। तो फिलहाल ये कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मुझे जो है सुबह के लिए चुटपुट जो ड्राई नाश्ता होता है ना, वो मुझे पैक करना है। तो इधर कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसके बाद जो है ड्राई नाश्ता वगैरह मैं तैयार करने में लगी। तो ड्राई नाश्ते में मैंने ऐसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, और यही सब नमकीन बिस्किट चिप्स और कुरकुरे वगैरह के मैंने पैकेट रख लिए। चाय हम घर से ही बना कर ले जा रहे थे, तो चाय की केतली वगैरह भी हम लोगों ने साफ कर ली। और इधर सुमित भी ऑफिस से आ गए थे, तो सुमित भी खाना पीना जो है खा पी कर आराम से बैठे थे। तो यहाँ पे जो है मैंने सुबह के निकलने की सारी पैकिंग कर ली थी, और ये सारा काम निपटाते निपटाते हम लोगों को रात का जो है 12:30 बज गया था। कहीं जाना होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे काम रात में ही निपटा लो, ताकि सुबह जो है हम लोग जल्दी जल्दी निकल सकें। तो फिलहाल मैंने ये सारे काम निपटाते निपटाते ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। तो फिलहाल ये जो है कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करके रखे, और उसके बाद जो है अब बैग रेडी किया, जो बैग मुझे ले जाना था वो नाश्ते का बैग रेडी किया। तो बैग में भी थोड़ा बहुत सामान था, तो उसको खाली किया, खाली करके जो है उसमें अपना जो ड्राई नाश्ता पानी था वो सारा मैंने रात में ही जो है बैग में पूरा पैक करके रख दिया, कि सुबह के लिए जो है ज़्यादा काम हमारे पास ना रहे, बस मॉर्निंग में उठूँ घर की साफ़ सफाई वही झाड़ू पोछा और नहा धो के फटाफट बढ़िया हम साफ़ सुथरे तैयार होके अच्छे से निकल लें जहाँ हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको नहीं बताऊँगी, वो सस्पेंस है, तो वो आपको हमारे अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा कि हम आखिर इतनी रात तक जग के कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ इतने एक्साइटेड होकर इतने खुशी खुशी जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज जो है बहुत ज़्यादा थकान हो गई, फास्ट भी था, तो फास्ट में मैंने फटाफट ये सारी तैयारियाँ की, सारा नाश्ता पानी रेडी किया, सारा खाना रेडी किया, और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ मैं कल जा रही हूँ तो वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि 4-5 साल से मैं तैयारी बना रही थी, मैं और सुमित कहते थे लेकिन जा नहीं पाते थे, तो फिलहाल आज नंबर आया है वहाँ जाने का। तो फिलहाल चलिए कल मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे और दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। सो गाइज, तो फिलहाल अभी रात का 12:30 बज चुका है, फाइनली मैंने सारे काम निपटा लिए। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया,
काम निपटाते निपटाते एक्चुअली काम तो जल्दी निपट जाता है, लेकिन कल की हमें तैयारी भी करनी थी क्योंकि मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना है। 4 बजे सुमित कह रहे हैं कि हम लोग घर से निकल चलेंगे, तो उसकी भी तैयारी मैंने इस तरह से सारी तैयारी की कि मॉर्निंग में उठ के मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो जो है बस अभी मैंने बैग निकाल के रखा, तो बैग में बस जो सामान है वो रखेंगे मॉर्निंग में उठ के, और नाश्ता पानी जो भी सूखा सूखा ड्राई नाश्ता होता है वो रखेंगे, और जो बनाया है खाना वगैरह मतलब पूड़ी वगैरह तो सब अभी मैंने बना कर रख ली है। हाँ सब्जी बनाऊँगी मॉर्निंग में, और साबुदाना वड़े कुछ हैं 8-10 टिक्की, तो वो भी मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो बस इतना काम मुझे मॉर्निंग में करना है, इनको बना के फटाफट रखना है। तो बस मॉर्निंग में उठूंगी जल्दी, सुमित कह रहे हैं मैं 3 बजे उठा दूंगा, तो तभी उठ के झाड़ू लगा के फटाफट नहा के फटाफट ये सारा सामान पैक कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए अभी रात का 12:30 बज चुका है, मैं भी जल्दी से सो जाती हूँ ताकि मुझे भी 2-3 घंटे की जो है नींद ढंग से मिल जाए और थोड़ी थकान दूर हो जाए, क्योंकि पूरे दिन आज रेस्ट करने को नहीं मिला है। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको हमारे अगले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा कि आखिर इतनी ज़्यादा तैयारी रात में 12:30-1 बजे तक जबकि कहाँ जाने की तैयारी हो रही, कहाँ इतनी विधिवत मैं तैयारी करने में लगी हुई हूँ रात में जग के। तो फिलहाल ये मेरे आने वाले व्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले नए व्लॉग के साथ, जो कि आपको पता नहीं है कि आने वाला नया व्लॉग कौन सा है क्या है। चलिए कुछ नया लेके आती हूँ आपके लिए, दिखाते हैं नए व्लॉग में कि हम कहाँ गए हैं। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।